वेलकम टू माय चैनल मस्त मालाइन। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। ले जी फिर वही रूटीन, सुबह उठे हैं, यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, 3 घंटे की जर्नी है, उसके बाद फिर हम यूनिवर्सिटी में आपसे मुलाकात करते हैं। अभी यहाँ पे बजे हैं सुबह के 9:30, तो अब स्टेशन की तरफ जा रहे हैं, तो फिर आपसे बात करते हैं थोड़ी देर तक। आज आपको बताते हैं फिर कैसा दिन स्पेंड किया, क्या क्या किया उसमें, तो प्लीज़ बने रही हमारे साथ। कहता है यूके में सोलर यूज़ नहीं हो रही है, देखें सब घरों ने लगवाए हुए। यहाँ भी इलेक्ट्रिसिटी एक तो कॉस्टली बहुत है, दूसरा यहाँ पे भी इशू है इलेक्ट्रिसिटी के। देखे सारे घरों ने लगाए हुए हैं सोलर। यहाँ पे ना ये बड़ा इशू है कि अब ये देखे 20-25 मिनट यहाँ पे रुकी है स्टेशन पे, तब जो मैंने जेस्चर से आगे ट्रेन पकड़नी है उसमें 8 मिनट का वेट था। अब दुआ करें कि वो ट्रेन हो या उसके बाद जो सी ट्रेन हो उसकी जल्दी यानी कि टाइमिंग हो, नहीं तो फिर वेट करना पड़ेगा काफ़ी। सो ये प्रॉब्लम्स होती हैं जब आप कोई ट्रेन चेंज करनी पड़ती है। चलें फाइनली देखते हैं जेस्चर जाके कि वहाँ पे फिर क्या सिनेरियो बनता है। अब हमने कैप्चर कर ली है बेंगर वाली ट्रेन। सो अब हम बेंगर जा रहे हैं, 50-60 मिनट्स लगेंगे इसको। सो फिर अब बेंगर पहुँच के क्लास लेके तो फिर आपसे बात होती है। यूनिवर्सिटी पहुंच गए हैं, 1 बजे क्लास है, बारिश हो रही है, बारिश तो होती रहती है आपको पता है। अब क्लास लेते हैं तो फिर आपसे बात करते हैं इस बारे में। कोई देखिए फिर से बारिश शुरू हो गई, अब क्लास खत्म हुई है 4 बजे, जा रहे हैं 15 मिनट तक ट्रेन है, फिर ट्रेन के बाद आपसे बात करते हैं घर पहुँच। बैक करते हैं आपको दोबारा अपने चैनल मस्त मलंग में। बस यूनिवर्सिटी से वापसी आ रहे थे, मैंने कहा चले अब अपना अकाउंट भी एक बैंक में ओपन करवा ले हेलीफैक्स में, तो फिर अब आपको दिखाते हैं कि कैसे बैंक में जाके अकाउंट ओपन करवाते हैं। तो प्लीज़ हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। लो जी हुण तुहानूं एक पते की गल दसा, यूके माता बहुत खज्जल होंदा बंदा, जिदा इत्थे कोई भी नहीं वो बहुत खज्जल होंदा, गल सेन च रख लेना, ते जे आना ते अपनी जेब च पैसे रख के आना, नहीं ते तौबा कर लेनी है। ते असली मैं पहले तुहानू समझा रहा कि इत्थे आना ते जेब च पैसे रख के आना, पहले 2 महीने तुहाडी जेब च पैसे जाने ने, ना आप लोगों को जॉब मिलनी है ना कुछ। हाँ उसके बाद आपको 2 महीने के बाद जॉब भी मिल जाएगी, सारा कुछ होगा, लेकिन पहले 2 महीने आपने अपने पास से एक्सपेंस करने हैं। सो अब आपकी अपनी मर्जी है आपने आना है या नहीं आना, लेकिन यहाँ पे आपको आके पता लग जाएगा क्या होता है। जी वेलकम, अभी हम रोस्टल पहुँच गए हैं, रोस्टल सिटी सेंटर। सो आप ये देखें, अभी आपको विजिट कराएंगे सारा। पहले हम यहाँ से जाएंगे बैंक हेलीफैक्स, वहाँ से बैंक अकाउंट ओपन करवाएंगे, उसके बाद फिर हम विजिट करेंगे कि यहाँ पे क्या क्या है, किस मार्केट में क्या चीज़ है क्या नहीं है, तो ये चीज़ें अब आपको हम दिखाएंगे। सो प्लीज़ स्टे विद अस। ये अब हेलीफैक्स में चलते हैं, अपना अकाउंट खुलवाते हैं और आपको बताते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर, कैसे ओपन होगा अकाउंट। ये हम हेलीफैक्स में आ गए हैं, तो अब अपना अकाउंट ओपन करवाते हैं और आपको बताते हैं। जी अकाउंट हमने खुला लिया,
तो बड़ी नॉर्मल इन्फॉर्मेशन है कि आप पहले ऑनलाइन इसको अप्लाई कर लें हेल्पएक्स को, फिर यहाँ पे आएँ आप अपनी इन्फॉर्मेशन दें, इसके बाद फिर आप काउंटर पे जाएं, वो आपको 2 मिनट के अंदर उसने मेरा अकाउंट खोल दिया। सो बेहतर यही है कि अब जिनको नहीं पता वो इस चीज़ को यूटिलाइज करें और अपना अकाउंट खुलाएं हेल्पएक्स में। हम रोशदिल के सिटी सेंटर में हैं, यहाँ पे कुछ ये शॉप्स हैं जो इन्होंने थोड़ा सा एक बनाया हुआ है। सो अब हम यहाँ देखते हैं क्या क्या है क्या नहीं है, छोटे छोटे यहाँ स्टोर्स की शॉप्स हैं, तो देखते हैं क्या अब हमें यहाँ से मिलता है क्या नहीं। चले विंडो शॉपिंग तो कर सकते हैं ना हम। स्टील का ये शॉपिंग मॉल है, तो यहाँ पे ब्रांड्स भी है, बस इतना बड़ा नहीं है, नॉर्मल सा है ये। तो अब हम यहाँ देखते हैं और फिर आपसे बात करते हैं इस बारे में। दूसरी शॉप है ग्रोसरी मार्ट, आप कह सकते हैं इसको आइसलैंड के नाम से। तो हमने कहा चले यहाँ भी देखते हैं क्या क्या है, लेना तो कुछ नहीं है लेकिन फिर भी इंसान को पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ कहाँ से सस्ती मिलती है कहाँ से नहीं मिलती। सो बने रहिए हमारे साथ, आपको बहुत कुछ दिखाएंगे अभी। रोशदिल दिखा रहे हैं सिटी सेंटर रोशदिल का, शॉप्स हैं यहाँ, सब कुछ है। एक स्ट्रीट है, दोनों तरफ इनकी शॉप्स हैं। सो देखते हैं हम भी, आप भी देखें, हम भी देख रहे हैं तो क्या क्या है यहाँ पे क्या क्या नहीं है। यहाँ पे ना घूम रहा हूँ देख रहा हूँ, यहाँ पे सारे एशियन ही ऐसे लग रहा है जैसे अनारकली के बाज़ार में ना इंसान फिर रहा होता है, एशियन ही है यहाँ पे। रोशदिल वैसे भी कहते हैं कि यहाँ पे जितने भी एशियन है ना बहुत पुराने हैं यहाँ बैठे हुए हैं, तो ऑलमोस्ट यहाँ काफ़ी एशियंस हैं। सो फिर बात करते हैं आपसे थोड़ी देर पर जी। अब हमने अपना बैंक अकाउंट भी ओपन कर लिया, आपको विजिट भी करवा दिया रोशदिल सिटी सेंटर में। सो अब हम घर जा रहे हैं, तो फिर घर जा के फिर आपसे बात करते हैं जो भी है। ये ट्राम जा रही है, आपको ट्राम की भी सैर करा दे। ये अब हम ट्राम में जा रहे हैं, ये बैठा है फोन पे लगा हुआ है, बस ये 2-3 मिनट की है यहाँ से ट्राम। जी आज दाल पकाई थी, ये देखे दाल साथ दही के साथ, ये रोटियाँ हैं। तो अब हम खा लें, तो खा के फिर बात करते हैं।